आज आपकी पहली क्लास है, जो पहली बाकायदा क्लास है। लेकिन पहली क्लास में हम डायरेक्ट पढ़ाई छोड़ी, ये हमारा तरीका चलाने के लिए, हम 10 साल में सीखा है यार, ऐसे होता है। पहली क्लास को हम नाम देते हैं ऑरिएंटेशन क्लास। ऑरिएंटेशन का जो अति चलती थी ना पुराने जमाने में, पुराने क्या अभी वो देख के ना मैप में वो कंपास रखे और वो सेट कर देते हैं, अच्छा यार मैं इतनी डिग्री पे ऊपर मोड़ देते हैं उसको, बड़ा सा फंक्शन वो होता है तो इंजन वाले आते उसको मोड़ देते हैं, उसको कहते हैं ऑरिएंटेशन सेट। अब उस ऑरिएंटेशन पे चलती है 24 घंटे 48 घंटे, फिर उसके बाद वो उसको चेंज करते हैं 24 घंटे। अच्छा तो ये पहली क्लास में जो हम नाम देते हैं ऑरिएंटेशन क्लास, ये अपना डायरेक्शन से करते हैं, हमें जाना है। अच्छा जब ये पता होगा कि करना क्या है तो फिर मोटिवेशन भी होगी, अच्छा भी रहता है और टीचर और स्टूडेंट सेम पेज पर दोनों को पता हो। अच्छा तो ये सेम पेज पर जाने की बात है, हम क्या करेंगे। अच्छा तो ऑरिएंटेशन में सबसे पहले तो ना प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में तरक्की हो गई, हम रह गए बहुत पीछे, इससे आप जितना भी इंकार करें ये आंखें बंद करने से कुछ नहीं, हम बहुत पीछे हैं। जो सही बात है मेरा मुल्क है, मुझे तरक्की है, हम पीछे क्यों रहेंगे। वॉर जो है पूरी दुनिया में तो एक जंग की सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा लेकिन ये एक तो जंग हुआ है तो आपको नजर आ रही है, मैं आपको आज बताऊंगी कि एक और तरह की जंग है जो लिखा हुआ है। अच्छा भाई दर मेरी किसी भी बात में आपको आंखें बंद करके बिलीव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी किसी बात पर जो मेरी बात में आंखें बंद करके बिलीव करना सबसे बड़ा बेहतर। आप सब लोगों के पास इंटरनेट है, जो मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ आप चाहे उसको गूगल करें, सर्च करें इंटरनेट और वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें, क्योंकि मैं अभी बातें बताऊंगा ना वो अनबिलीवेबल बात आपको, आप बोलेंगे बहुत लंबी छोड़ रहे अनबिलीवेबल बात है। अच्छा तो आप जाके गूगल पर लिखेंगे जनरेशन ऑफ वॉरफेयर, उसमें आएगा फर्स्ट जनरेशन आर्टिलरी, गोलियां वोलियां जो गर्मन करी है टीपू सुल्तान के जमाने में बनी थी, अलवा होगी उससे पहले। सेकेंड जनरेशन फिर कुछ आएगा, फिर थर्ड जनरेशन में आएगा कोई एयर क्राफ्ट वाली वॉरफेयर होगी, हवा से ऊपर छोड़ के उड़ा के फेंक देंगे मिसाइल आ गए। ये गन गोला बारूद नहीं सारा, ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। अच्छा अब अभी जो करंट जो चल रहा है ना वॉरफेयर जो जनरेशन चल रही है वो चल रही है फिफ्थ जनरेशन। अच्छा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को स्टडी करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आपको पता ही चलता है कि दुश्मन कौन है, केओस हो गया। अच्छा आपको कभी लगेगा कि यार अमेरिका दुश्मन है, कभी आपको लगेगा मेरा लीडर है वही दुश्मन है, कभी लगेगा यार मौलाना दुश्मन है, पता नहीं चलेगा दुश्मन है कौन। भाई दुश्मन पता होगा तो मारेंगे ना, गन तो है पास में, काइनेटिक फोर्स, गन जब मैं कह रहा हूँ तो मैं काइनेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, काइनेटिक फोर्स में सब आ गए जहाज है दुश्मन पता होगा तो संभाल ले रहे हैं, इसमें दुश्मन का पता नहीं होगा। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पूरा टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। अभी रिसेंटली हम जो क्योंकि हम तमाम आर्म फोर्सेज के साथ में सभी क्लासेस करते हैं, मैं रेंजर्स वालों के साथ बैठा हुआ था तो उनके कमांडर से जिक्र करते हैं कि हायर मीटिंग हुई हायर रेंजर के साथ और उनका अपना भी ये कहना था, मेरा भी ये कहना था ही इस वक्त हमारे पास जो काइनेटिक फोर्स वाले बंदे हैं वो होते हैं 100 अपर मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग है वो 100 होते हैं और उनके ऊपर एक या दो आईडी का बताओ। अच्छा एक नया फीचर बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि हमारे पास आईडी के 100 बंदे होंगे और जिसके नीचे आईडी वाले ना 2-3 होंगे। अच्छा आईडी वाला ट्रैक करेगा करना क्या है और जो काइनेटिक वाले होते हैं वो जाएंगे सेल पॉइंट करके उस जगह पे ऑपरेशन पर पहुंच सके वापस, ये हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है, हम थोड़ा पीछे रह गए। अच्छा फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, एक फेसबुक पर पोस्ट आती है वो किसी खास रिलीजियस ग्रुप को ब्लेम कर रही है और वो रोड पे आ जाते हैं और ड्रॉप शुरू कर देते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ आते हैं, फ्लडेड हो जाता है
फेसबुक पे एक व्हाट्सएप पे एक स्टेटस चलता है किसी खास रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के मुताबिक, उस पॉलिटिकल पार्टी को जो खास रिलीजन के लोगों को बात मिल जाती है वो रोडों पर आ जाते हैं, फिर उनके जो अपोनेंट है वो भी रोडों पर आ जाते हैं, आपस में लड़ना शुरू हो जाए। एक महीने के लिए मुल्क में हालात खराब हो गए। फेसबुक टिकटॉक जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं ये सारे फिफ्थ जनरेशन ये वॉर मशीन है। और ये मैं कोई बहुत अंदर की बात नहीं कर रहा, आपको कहीं लगेगी पता नहीं मैं कोई अंदर की बात दे रहा, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो प्रेस में चल रही है, ये मैं वो बात कर रहा हूँ इन टॉपिक पे मूवीज बना रहे हैं बॉलीवुड में भी और इंडिया हमारे तो अपना मूवीज का हमारा खत्म ही हो गया। इन टॉपिक पर बुक्स लिखी जा चुकी है, मूवीज बन चुकी है, वो बात कर और उल्टा क्या करते थे
कि फेसबुक जो है ना थोड़े जूम कर लिया, अपनी एडुकेशन लगा के उसको बुला लेते थे सर, ताकि लोगों को लगे कि नहीं यार फेसबुक पर थोड़ा जूम कर लिया अभी कभी दिखाने के लिए इतने सारा। तो ये हो रहा है। अच्छा, फिर जनरेशन वॉरफेयर में ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि क्योस हो जाता है, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। एक मौलवी का तो ध्यान रहेगा और पूरे मुल्क में हालात। आप इमेजिन करें कि ये इंतजार को इनिशिएट करना, इस तरह के जो हंगामाई की जो सूरत हाल है इसको इनिशिएट करना कितना आसान है। और अभी सबसे जगह हो रहा है, अमेरिका ने बताया था अपने पास डिपार्टमेंट होना चाहिए, हर कंट्री के डिपार्टमेंट है और हर कंट्री का जो स्पेशलिस्ट भी होते हैं सी आई के में। ये भी इसकी मूवी बन चुकी है, बुक्स भी लिखी जा चुकी है। अभी रिसेंटली वो जो इंडिया क्लेम कर रहा था कि हमने पैसे सीन लाया, तो उन्होंने एक अपनी नदी मिली वो इंडिया और पाकिस्तान के पेशेंस। आपको देखो वो बड़ा चला था कि वो सरदार उसने टाइट कर दिया, सरदार सवाल पूछा तो उसने टाइट कर दिया, वो बड़ी क्लियर चली गई। वो जो मंदिर था उसका प्रोफाइल आप देखेंगे वो पाकिस्तान और इंडिया के पेशेंस में। अमरीका ने उसको सीन भेजा था कि वो अमरीका का बना रहा है सीन, वो कह रहे हैं हमने मेरे से एक्सेस नहीं गिरा दिया। उसने ऐसा टाइप किया जिनको उन्होंने कहा कि औकात दी है मेरे की, वो ऐसे सीन को गिराया टिकट की टेक्नोलॉजी है और फुल टाइट करके ले लिया। किसी सरदार ने पता नहीं कोई सवाल भी किया उसको भी टाइट कर दिया। वो आप प्रोफाइल अगर उसकी देखेंगे ना कती क्या है वो उस मशीन पर पाकिस्तान के लिए इस तरह के उनके बने हुए डिपार्टमेंट। अच्छा, तो अमरीका का जो मेन होता है क्योंकि वो है सुपर पावर, सुपर पावर बनना आसान होता है, निस्बतन आसान होता है, आसान होता तो अभी भी निस्बतन आसान होता है, लेकिन वंस वो पावर आ जाती है ना उसको कैरी करना, कैरी ऑन करना लॉन्ग टर्म कैरी बड़ा मुश्किल है। सोवियत यूनियन के केस में देखा थोड़े दिनों के लिए ठंडा हो गया, इवन हमारा जो सदन जो उस्मानिया था वो भी एक सर्टन पीरियड के लिए चला ठंडा हो गया, इसी इसी वजह से ठंडा हो गया। ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की वजह से हमारा सदन उस्मानिया ठंडा। आप इनका आप देखें कैरेक्टर है लॉरेंस अरेबिया, उनके दिन मनाते हैं अमरीका, उसने क्या किया था वो आया था इधर सऊदी में और सऊदी टीम से उसको डील भी की थी, इसमें भी उन्होंने मूवी बनाई। आप देखेंगे लॉरेंस अरेबिया एक मूवी है और अच्छी मूवी है, मतलब सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें हमें बिल्कुल खुद दिखाया जो कि शायद कुछ हद तक थे। और उनका जो लॉरेंस अरेबिया ना उसको बहुत बहुत कोई महान दिखा मास्क नहीं ग्रेन वॉश। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, ये आ चुका है भाई, ये आ चुका है। आप सब लोगों का डेटा, मेरा डेटा, क्योंकि हम फोन अभी ये देखें फोन लगा हुआ है, ये अमरीका का फोन है, एप्पल हो गया, एंड्रॉइड हो गया, गूगल हो गया, मतलब कोई नहीं, सारी अमेरिकन बेस्ड कंपनी सारी। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली नोट किया होगा कि चाइनीज फोन बहुत सस्ते हो गए, जहाँ पे अमेरिकन बेस्ड कंपनी का फोन लेंगे सैमसंग और एप्पल का फोन लाख दो लाख से नीचे का नहीं था, चाइनीज फोन 12-12 हज़ार के चले शुरू हो गए। अभी तो डॉलर ऊपर जाने की वजह से वो 40,000 के हो गए, मतलब वो है 12,000। और क्या सब हो रहा है, आप इमेजिन करें किसी मुल्क का फोन पाकिस्तान का बनाया हुआ फोन अगर एक आम लोग यूज कर रहे हैं चाइना के अंदर, 3 अरब आबादी है चाइना की, अगर 1 अरब लोग चाइना में हमारा बनाया हुआ फोन यूज कर रहे हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या पावर है। 1 अरब लोगों की बातें समझ सकते हैं चाइनीज को, हर तीसरे बंदे की जेब में चाइनीज फोन है। दिस इज पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन मॉडल, वो कर कुछ नहीं रहे, लेकिन आप उसको टेस्ट करेंगे ना लैब में, वो उन्होंने माइक पे कुछ भी नहीं ऑन किया, सब चमकी है, तो किसी हद तक ऐसा कोई आपको रेड फ्लैग उसमें मिलेगा नहीं अगर आप उसको चेक करेंगे, मगर वो चीज़ें मौजूद हैं, वो जब उनको ज़रूरत पड़ेगी ना फिर वो खोलेंगे उसका अभी वो खोलेंगे। तो आप सबकी जो जेबों में जो फोन पड़ा हुआ है चाइनीज फोन, ये टिकिंग बॉम्ब है। अभी इसको बंद किया हुआ है, अभी इसी ये स्लीपर सेल इसके लिए टर्म यूज करते हैं मिलिट्री, स्लीपर सेल ही स्लीपर सेल ही हो गया कि बंदा जाता है किसी एरिया में तो रहता है वहाँ पे, वो बड़े लंबे अरसे तक वहाँ रहता है, वहाँ पर घूमने जाता है, वहाँ शादी भी कर लेता है, बच्चे भी हो जाते हैं, ये होता है एक सर्टेन टाइम पे खास ऑपरेशन परफॉर्म, तो इसके लिए अगर स्लीपर सेल की टर्म यूज करूँ तो गलत ही हो। हमारे पास अमेरिका के फोन है, हमारे पास चाइना के फोन है, हमारे फोन कहाँ चले गए, हम क्यों नहीं बना रहे फोन,
मामले की संगीनी का अंदाजा थोड़ा सा आपको हो गया होगा कि बहुत लंबी बात है, ये मैं करता रहूँगा ये खत्म नहीं होगी अगले दो मिनट में, लेकिन इसको मेजर ऐसा था। ये तो कंप्लेनिंग मेजर तो हमारा है ना, ये भी मैंने तो अभी तक बात की, कंप्लेन किया था। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो बुलबुल शोर नहीं था, बुलबुल जी ने नीचे ना वो चू चा चू करता रहता है, जो भी जो आप सुनते हैं वो कहते हैं ये बुलबुल की तरह शोर नहीं करता, कुछ करके देखना नाला है बुलबुल, नाला है बुलबुल, बुलबुल पूछता रहता है शोर करता रहता है कि मेरे बुलबुल आम आते हैं ना तो आम जो खाते हैं उसका मुँह कुछ इन्फेक्शन हो जाता है उसके मुँह, वो आम को खा नहीं पाता, वो शोर करता रहता है तो और भी काम नहीं। कहता है अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ये सारे ये शाहीन है, तो शाहीन शोर नहीं करता बुलबुल के साथ, बुलबुल शोर करता है बुलबुल के साथ, शाहीन में और सोरे बाजू से ऊंचाई को होता है जाके, और अगर कभी बारिश होती है तो बादलों से भी ऊपर चला जाता है, हमें एटीट्यूड चाहिए तो आप हमें करना चाहिए। तो दो हमारे ना गोल है सैलानी में इस वक्त हम कंडक्ट कर रहे हैं ना सारी चीज़ें क्लासेस कंडक्ट हो रही है सारे, इसका दो गोल है, एक तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म वो ही है कि हमारे जो बाजार है क्योंकि यूनिवर्सिटी तो अप टू द पॉइंट है, आप सब तो यूनिवर्सिटी से नहीं रखा जाए तो आप सब यूनिवर्सिटी में है, आपकी यूनिवर्सिटी है, लेकिन आमतौर पर जो पब्लिक स्कूल या पब्लिक यूनिवर्सिटी है या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं, तो वो इसलिए बेस पर हमारा शॉर्ट टर्म वो ही है कि तमाम लोगों को जो भी बाजार है हमारी, क्योंकि हमारे मुल्क में अल्लाह के लिए 60% बाजार है, तो उन लोगों को इक्विप करना है ऐसी स्किल्स से कि फॉरेन वर्कर्स उनको जॉब मिल सके, ऐसी हाईली इन डिमांड स्किल्स उनको सिखाइए फॉरेन वर्कर्स जॉब मिल सके। और ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और आप जो सैलानी से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि आप उनको इंडियन कलर का इंडियन बहुत सारे कलर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोर्स खत्म होने से पहले ही ऑफर आते हैं जॉब ऑफर आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वो फील्ड है जिसमें एक बंदे बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस वक्त अगर हम 1 करोड़ भी बंदा ट्रेन कर देना तो भी डिमांड पूरी है, सिर्फ पाकिस्तान की डिमांड पूरी है। अच्छा तो ये एक तो शॉर्ट टर्म हो गया कि कैसे हाई डिमांड इसलिए सिखाए कि फॉरन जॉब हो जाए, क्योंकि जब तक यार दाल रोटी पूरी नहीं होती ना बंदे की तो बंदा फिर आगे क्या सोचेगा, कह रहे थे कि जब खाना पिज्जा लाएगा उस वक्त कुछ लोग उसको इसलिए फॉलो करेंगे कि यार दो वक्त की रोटी खत्म हो जाए, दो वक्त की रोटी तो बंदे से बहुत कुछ करवा, दो वक्त की रोटी पूरी होगी ना जब और आप सब लोगों की माशाल्लाह होगी, तो इसलिए मैं इतनी बातें कर रहा हूँ और मैं इतनी लॉन्ग लंबी बातें मैं सुना नहीं कि आप लोग इस चीज़ को समझ आएंगे और आप लोग एक सर्टेन फील्ड से क्योंकि हम चले गए तो आपको जिस तरह की बात समझ आएगी ना शायद एक आम बंदे को, मैं एक आम बंदे को तो हरी हरी सुनती सुबह को निकलता है मदरसे जाता है डॉक्टर का शाम को आता है बीच बच्चों का खेलता है चाय उसको संगीन का ऐसे ही नहीं मामला क्या होता है। तो अभी जिसने किसी टेररिस्ट को इंटरोगेट किया ना वो उसका माइंड सेट और एक आम बंदे का माइंड सेट बहुत अलग होता है, कभी इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकता एक टेररिस्ट को क्या माइंड सेट देगा कैसे उसका ब्रेन वॉश होगा, तो मैं ये तो ये शॉर्ट टर्म ये हमारा लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये है क्योंकि इन नया फ्यूचर अभी हम जो तमाम आदि कॉलेज के साथ जो कोलेब्रेशन होने शुरू किए वो मतलब की ख्वाहिश और क्या कहते हैं मेहनत है तमाम मैनेजमेंट जो जैसे कि दिमाग में और भी बहुत सारे बदलाव गए ये लोगों को बड़ी कोशिशें हैं जिसकी वजह से ये कोलेब्रेशन पॉसिबल, तो इसका मेन रीज़न नहीं क्योंकि नया फ्यूचर है समझते हैं सलानी को और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि हमारी आर्म फोर्सेस को ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनकी उम्र भी कम हो और वो टेक्निकली साउंड हो, तो बेसिक ट्रेनिंग ना देनी पड़े प्रोग्रामिंग की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की या टेक्नोलॉजी की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो उनको ना देनी पड़े, उनको डायरेक्ट स्पेशलाइज कोर्सेज करवाए और फिर वो जैसा जिक्र किया था 100 लोग आई डी होंगे नीचे उसके 3-4 लोग जो वो कोर्स ना फिफ्थ जनरेशन और फिफ्थ के सिपाही तैयार कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, ये हज़ारों की तादाद में लोग डेली जो सैलानी आ रहे हैं पढ़ाई करके जा रहे हैं बेसिक प्रोग्रामिंग उनको सिखाई जा रही है और एडवांस प्रोग्रामिंग की जी आई वगैरह के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं,
ये लॉन्ग टर्म में हम फिफ्थ जनरेशन और फिर की सुनाई देता है इसमें किसी का कोई क्वेश्चन किसी को कोई सवाल हो क्लियर हो अब हम ये देखते हैं इस कोर्स में जो बेसिक प्रोग्रामिंग की जो ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी उसमें क्या पढ़ाया जाएगा वो ये वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है ये नाम जो इसका वेब डेवलपमेंट का कुछ नाम तो देना होता है कोर्स को कुछ तो नाम देना होता है इसमें वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनानी सिखाई जाएगी नाम से ही लेकिन दरअसल इसके अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग शामिल है बेसिक प्रोग्रामिंग इसमें आपको पूरी सिखाई जितने भी आगे टेक्नोलॉजी के दरवाजे हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सब देखिए कोर्स शुरू होगा एचटीएमएल सीएसएस प्रोग्रामिंग लाइन में आपको इसमें पढ़ाई देगी जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट इस वक्त बहुत बड़ा मार्केट शेयर है उसका और तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर जावास्क्रिप्ट में बनते हैं चाहे वेब एप्लीकेशन हो चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो चाहे वो चैट बॉट हो चाहे वो एआई की ऐप हो जावास्क्रिप्ट के लिए सब है सबसे ज़्यादा बड़ा जो चंक है ना मार्केट का जावास्क्रिप्ट के हाथ में तो इसलिए जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लाइन में अच्छा उसके बाद आपको सर्वर और डेटा बेस पढ़ाएंगे क्योंकि जितनी भी ये वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन है जैसे कि फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन टिकटॉक व्हाट्सएप वगैरह इसमें जब आपके हाथ में कोई ऐप होती है लेकिन जब आप उसको बटन दबाते हैं वो ये निकल के सर्वर में जाती है बस और वहाँ पे डेटा बेस में सेव हो जाती है कुछ चीज़ें आपको वापस आती है वो सर्वर में सारी प्रोसेसिंग होती है तो वो आपको डेटा बेस और सर्वर सिखाया जाएगा अच्छा और डेटा बेस और सर्वर सिखाने के बाद फिर आपको कुछ जो वेब स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज है जैसे कि रियल टाइम कंप्यूटिंग उससे आपका थोड़ा सा पी डब्ल्यू ए नई टेक्नोलॉजी आ गई है प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन वो आपको थोड़ी बहुत सिखाई देगी उसके बाद हमारा जो करंट एआई के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उससे मुताबिक सारी चीज़ें सिखाई देंगी अब जाहिर है वो तो मैंने मोटी मोटी बात की है उसमें चार जुमलों में मैंने जो आपको बता दिया सिलेबस ये सिलेबस छः सात महीने आठ महीने में कम्प्लीट होगा हाँ आपकी जो क्लासेस होगी वो इसमें दो दिन हुआ करेंगे जैसे कि मुझे शाम्बे ने बताया ताकि जस्ट सेम पेज पर आ जाए इसलिए नहीं होता एक क्लास होगी दो से चार और एक क्लास होगी चार से छः जैसे कि दोनों क्लासेज में मैं पढ़ सकूँ पढ़ाऊँ और किसी का अगर कोई सवाल है जो मैंने बात की इतनी सारी उससे बता लें वो पूछ सकते हैं अदरवाइज बता सकते हैं इसका कोई क्वेश्चन है कि दोस्त से बता लें कोई ऐसी बात नहीं आप पाइथन भी सिखा सकते हो लेकिन पाइथन इस कोर्स में अच्छा पाइथन बाय द वे ए आई की जब बात आती है तो पाइथन की बात आती है वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट की ज़्यादा पाइथन के ऊपर वेब डेवलपमेंट नहीं है अच्छा लेकिन एक बात और आपसे पूछ रहा हूँ अब चैट जीपीटी के आने की बात है क्योंकि एआई का एरिया चेंज हो गया तो पाइथन वहाँ से भी आउट हो जाएगी क्योंकि अब हम मूव कर रहे हैं एआई एज अ सर्विस के ऊपर ये तो मैं 2016 से ही बातें कर रहा हूँ मेरे लोग पेज वगैरह फेसबुक के यूट्यूब में आपका होना वो आप सुनी थे उसमें मैंने ये जिक्र किया कि अब हमारी दुनिया मूव हो रही है एआई एज अ सर्विस के ऊपर अब सिर्फ छोटी जो कंपनीज है अब जो सिर्फ बड़ी कंपनीज है जाइंट वो अपने मॉडल ट्रेन करेंगे जैसे कि गूगल वगैरह हमारी मुझे भी उम्मीद है कि आप में से जो लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं ये भी पाकिस्तान में भी गूगल जैसी कंपनी फॉर्म करें वो अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे बड़ी कंपनी छोटी छोटी बिजनेस हैं कोई पिज्जा की दुकान है कोई मैकडॉनल्ड है इस तरह के जो छोटे बिजनेस हैं इधर दो भी तो थोड़े मिड साइज के भी हैं ये छोटे बिजनेस वो भी अपने ए आई मॉडल ट्रेन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है डेटा चाहिए होता है फिर आपको ए आई से एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं तो वो नहीं करेंगे अभी करते हैं लेकिन आप नहीं करेंगे आप करेंगे बनी बनाई ए आई जैसे चैट जीपीटी एक बना वो मॉडल है जनरल ऑन द टॉप ऑफ दैट चैट जीपीटी वो आप ये लेयर लगाएंगे और उस ए आई को तो क्योंकि कुछ वेब डेवलपमेंट होगी जब वो बना हुआ ए आई का मॉडल है जब उसको मोबाइल ऐप में लगाना है तो वो तो वेब डेवलपमेंट हो गया तो पाइथन वहाँ से क्या होगा और किसी का कोई प्रश्न वर्डप्रेस आपने बहुत अच्छी बात की वेब डेवलपमेंट जो है आज से 15 साल पहले वर्डप्रेस जदीद टेक्नोलॉजी में काम होता था वर्डप्रेस के अंदर कुछ मसले मसाए एक तो आउट ऑफ डेट हो गई है बहुत पुरानी हो गई है दूसरा ये कि वो पी एच पी पे जब चलती है उसके बैक एंड पी एच पी हो पी एच पी में बना हुआ जो सर्वर होता है वो बाई डेफिनेशन स्लो होता है वो चलता है थ्रेडिंग हर टाइम
अंदर में मर्द स्वैग एम ई आर एम मर्द स्वैग मर्द स्वैग पर बनी हुई जब एम को यूज करेंगे तो बहुत आसमान जमीन का डिफरेंस है। एक वर्ल्ड प्रेस पर बनी हुई वेबसाइट कभी भी फेसबुक जितनी तेज नहीं चलेगी, हर क्लिक पर पूरा डाउनलोड होता है, लोडिंग होता रहता है, लोडिंग होता है। उसके साथ जो डेटा बेस है वो सीक्वेंट डेटा बेस होता है। सीक्वेंट डेटा बेस जदीद दौर के तकाजों को पूरा नहीं कर सकता। हम नो सीक्वेंट डेटा बेस पढ़ेंगे इसमें, जैसा कि तो जदीद दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मर्न स्टैंड के इंतखाब किए हैं। मर्न स्टैंड पे जो चीज़ें हो सकती हैं वो पी एच पी पे या वर्ड प्रेस पे नहीं पॉसिबल नहीं। लाइट वेट सर्वर होता है, हम नॉट जेएस का सर्वर पढ़ेंगे। मर्न स्टैंड में आर जो है वो रिएक्ट है और ई जो है वो एक्सप्रेस है, वो नॉट जेएस। तो नॉट जेएस का हम सर्वर यहाँ पे कवर करेंगे। लाइट वेट सर्वर होता है, सिंगल थ्रेडेड होता है और बहुत ज़्यादा यूजर्स संभाल सकते हैं वो एज कम्पेयर टू पी एच पी के सर्वर। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? फ्लटर जी, फ्लटर का कोर्स है चलाने का, लेकिन ये वाला जो कोर्स है ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है, ये दरवाजा है, काफी दरवाजा है। इस कोर्स में आप जो बेसिक प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आपको अभी मैं अगर आपको बातें बताऊँ आपको समझ नहीं आएगी। जिनका जिनको आती है प्रोग्रामिंग उनकी बात और है, लेकिन जिनको नहीं आती उनकी बात है। अभी मैं आपको अगर बताऊँगा कि फ्लटर में और रिएक्ट नेटिव में क्या डिफरेंस है आपको समझ नहीं आएगा, तो ये काफी दरवाजा है। तो फ्लटर भी अगर आपने करना है इन फ्यूचर तो ये कोर्स आप लेंगे ना बेसिक प्रोग्रामिंग से, क्योंकि मैं आपको शायद ये भी कहते हुए सुने कुछ जवाब में जो मेरे पुराने लेक्चर थे, आज से 5 साल बाद बेसिक प्रोग्रामिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो पॉइंट पर होकर लेकर बैठा हुआ है ना बंदा, अगर उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी उसको दिमाग कर अजीब सी बात करेंगे, यानी पान से क्या ताल्लुक है प्रोग्रामिंग। तो मैं छोटी सी बता दूँ, इंडिया पे एक कंपनी है इंडिया पे के नाम से, उसमें क्यू आर कोड लगा होता है 5 के कोड, आप मान लेते हैं 20 रुपये का स्कैन करते हैं क्रेडिट कार्ड, ये हो चुका है ऑलरेडी और ये आगे और होने वाला है। अब क्योंकि 5 की दुकान तो ऑनलाइन होगी तो फिर जब बैठा हासिल होगी, तो इस तरह का बहुत कुछ होने वाला है। इस टॉपिक पर भी आधे घंटे बोला जा सकता है, क्यों बेसिक प्रोग्रामिंग रेडी जो क्यों भेज रहा है बंदा ये पान का पुखर बना के बैठा है, उसके भी अगर प्रोग्रामिंग उसको नहीं आती ना उसकी जॉब खत्म, उसकी जॉब नहीं है। तो बेसिक प्रोग्रामिंग तो मैं कहता हूँ कि आप खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी आप सिखाएंगे और अपनी लाइफ को भी सिखाएंगे, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग के बगैर ना आने वाली दुनिया में सर्वाइवल जीरो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी आपने देखा चैट जीपीटी आप सर्च करेंगे तो कितने लोगों की जॉब के लाले पड़ते हैं इसके आने के कॉन्टेंट राइटर सबसे पहले खतरे में पड़ते हैं। अच्छा क्यों? तो इसलिए कि आज से पहले जो काम करने में 1 घंटा लगता था आपको 5 मिनट हो जाता है, तो पहले डाउन साइजिंग तो होगी, 10 लोगों की जरूरत थी वहाँ पर 1 बंदे की जरूरत, 1 ही बंदा हो जाए काम करने में। तो ए आई से इक्विप हो गया, गेम जो होता है कि वो पावर आ जाती है इक्विप हो जाता है बड़ी गलत रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा रिकॉर्ड नहीं हो गई तो इस वजह से उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो गई।
उसकी पिक्चर है वो ली थी ध्यान पे ने लगाई हुई थी तो वो ना वर्कशॉप में कवर होता है एक दिन का होता है संडे का डिसीजन है सैटरडे को वो तीन चार महीने में एक बार हम इस तरह के वर्कशॉप करते हैं जो भी लेटेस्ट प्लेटफॉर्म होता है उसके कोर्स ऑफलाइन शेयर करेंगे जी कोर्स ऑफलाइन तो ध्यान पे निशान शेयर कर देंगे अच्छा मैं टीचर हूँ इंतजामी मामला सारे ध्यान भी देंगे कि यहाँ पर जो भी आपके चार या मेहमान हैं आप उनसे आप कर देंगे निशान भी सेवा आपका मुझसे पढ़ाई की बातें होंगी अच्छा कोर्स आउटलाइन में वो मैं वही आपको बता सकता हूँ अगर आप कहें तो जो मैंने बता भी दिया होगा कि तो आप कितने उसमें बात करेंगे या ज़्यादा स्पेशल उसको कितना डिटेल्स में आपको देंगे वो तो करो मैं दे दिया हूँ ठीक है ठीक है और इसका कोई प्रश्न नहीं है तो मैं जाता हूँ फ्रेंड का फ्रेमवर्क है वो रियल चीज़ें हैं बैकेंड का फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस कंप्यूटर इसकी जरूरी है ये मैटर नहीं करता है कोई लैपटॉप हो या घर पर डेस्कटॉप है ये मैटर नहीं करता कंप्यूटर होना चाहिए अगर आपके घर पे है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो अगर ले लें तो अच्छी बात है बाकी हो सकता है सैलानी में तो हम ये करते हैं कि जिनके घर पर कंप्यूटर नहीं है उनको लैब नहीं स्लॉट असाइन करो यार कितने बजे से कितने बजे आपको स्लॉट मिल गई आप लैब में आते हैं पीछे की सीट खाली होती है सब में क्लास कंटिन्यू करते हो यहाँ पे आपके जो संचार में वो और कंप्यूटर जिनके पास नहीं है उसमें रसीव है उसे ले रहे क्योंकि इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर ये कंप्यूटर हमारा टाइम इसी से ही हो रहा है आप इमेजिन करें कि एक फौजी है वो बॉर्डर में भाग रहा है और उसके पास घर नहीं किसी घर लेके यूज होता है आमतौर पर ऐसा नहीं होता आमतौर पर अमेरिकन मिलिट्री में भी और हमारे यहाँ भी फौजी जो बनता है ना उसको एक घर मिलती है वो घर चेंज नहीं होती उसका कुछ पार्ट टूटेगा वो रिप्लेस होता है चेंज वो घर अगर खो गई तो उसका कोई पार्शल होता है उसका रीज़न मेन क्या होता है इस काम को करने का कि वो क्योंकि घर है ना वो दस साल सर्विस जो करेगा वो उसी घर से करेगा उस एक एक इंच उसका पता होना चाहिए आप तो पट्टी बांधते हैं बंद करके उसको कोई भी डिसअसेंबल कर लेगा सब कुछ करते हैं कोई आंसू गैस पड़ गया आपकी कोई बात नहीं वहाँ कोई नहीं तो आपके पास भी आप सोचें कि वो फौजी पास में खड़ा हुआ सामने से गोलियाँ चल रही है और वो बड़ों बोले से करना होता है ऐसे नॉट एक्सपेक्टेड वैसे तो आपको फैसिलिटेट करेंगे आपकी स्कूल लेकिन मैं दस दिन बात करूँ तो आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए या अपना कंप्यूटर घर पर होगा जरूरी नहीं है लेकिन अपना होगा उस कंप्यूटर का एक रेंज आपको बताऊँ इसमें क्या प्रॉब्लम है आपकी स्लो चलता है क्या होता है क्या होता है ताकि आप एम मौके को आपको उठा दें चाहिए मुझे इजाज़त है इंशाल्लाह फिर आप चीज़ और क्वेश्चन अच्छा नेक्स्ट ईयर जो है वो एक जी एस का ही एक एड ऑन आमतौर पर आपका सवाल वैलिड इसलिए पहुँचा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो नेक्स्ट ईयर का कोर्स करवा रहे हैं वो उसको ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर उसकी फ्रेमवर्क है वो नेक्स्ट ईयर रियल का ही एड ऑन वो जब आप रियल सीख जाएंगे ना इन डिटेल तो नेक्स्ट ईयर आपके लिए कोई मसला नहीं एक तो क्लासेस करके वो एड ऑन भी कवर कर नहीं वो रियल असल में जो है वो बाई डेफिनेशन फास्ट है वो रियल के ऊपर बना है वो जस्ट टाइम बचाने के लिए उन्होंने एड ऑन करवाया और फास्ट होने से जुड़ा हुआ वो फास्ट होने से ना वो नेक्स्ट ईयर का चालू नहीं रियल बाई डेफिनेशन फास्ट इसलिए वो भी फास्ट अगर लोगों को अच्छा था ना क्योंकि रेट तो 2016-15 में आई थी रेट पहले तो जब से वो रेट से कोर्सेज चल रहे थे अब उनको कोई नया नाम चाहिए ना जो जो हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या जो ऑनलाइन उनको कोई नया नाम चाहिए इसलिए नेक्स्ट ईयर नाम दिया वो बात रेट थी जी और कोई सवाल अच्छा मुझे याद है ध्यान पे कंटिन्यू करेंगे या सीखे सर कंटिन्यू करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं और आप अपने पूरे जो भी जज्बे का इजहार करना है आपके सारे से पता चलेगा कि आपने कितना जज्बा पाकिस्तान जिंदाबाद।